बशीर भाई कहाँ? क्या मतलब है टायर पंचर हो गया है? अब दूसरी गाड़ी ले आते? अच्छा प्लीज एक्सक्यूजेस मत दें, जल्दी से आ जाएं। मैं कब से वेट कर रही हूँ, फिर देर हो जाएगी। जी क्या वस्त्रा, कोई मसला हो गया? यार गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, ड्राइवर को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ तो क्या हुआ, मैं और भाई तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं वेट कर रही हूँ, ड्राइवर आ जाएगा। कितना वेट करोगी, पता नहीं कब आएगा। तो फॉर्मल क्यों हो रही हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। अच्छा नहीं लगता। आला भाई यार क्या होता है, चलो। Are you sure ना? हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठीक भाई। वो मेरी दोस्त को रास्ते में ड्रॉप कर सकते हैं? श्योर, व्हाई नॉट। भाई आप एक काम करेंगे, आप ड्राइवर से हमारे लिए खाना ऑर्डर कर देंगे? वो मेरी दोस्त असरा है ना, उसको अब मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं हाला, इसकी क्या जरूरत है, मैं घर जाके ऑर्डर कर लूंगी और घर जाके खाना खा लूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी रास्ते से लंच कर लेते हैं। अरे नहीं, आपको देर हो रही होगी ना, आपके पास टाइम नहीं होगा। अगले 2 घंटे तक मेरी कोई मीटिंग नहीं है, तो वैसे भी घर से मैंने चेंज करके वापस ऑफिस ही जाना, रास्ते से लंच कर लेते। Oh my God, Hala! Again, you are having all these oily fries and this double patty cheeseburger. मैं पता है ना इसमें कितनी कैलोरीज होती हैं। Just look at yourself and sorry, आप क्यों रुक गई? मैं इसे कह रहा था आप खाएं प्लीज। तुम तो खाओ। भाई का तो वैसे भी फेवरेट टॉपिक है। जैसे ही मौका देखते नहीं है, फिटनेस पे लेक्चर शुरू। आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे ना, हमेशा से हर चीज में जीतते आए हैं, टॉपर रहे हैं आप। ये हमेशा जीतते रहने का एहसास कैसा होता है? भाई कहते हैं जीत तो हर कोई सकता है, लेकिन अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए, है ना भाई? बिल्कुल। मुझे लगता है असरा के आजकल बहुत कम लोग हैं जो अपना गोल सही सेट कर पाते हैं, और इसीलिए सक्सेसफुल भी नहीं होते। यू मीन आपकी सारी सक्सेस का क्रेडिट आप सिर्फ अपने आप को देते हैं? जाहिर सी बात है, और किसको दूंगा?
जिंदगी के किसी भी मैदान में मैं ये सोचकर उतरा ही नहीं कि मैं हारूंगा। That's why I always won. Great. अलमाज बेगम है, मेकअप तो इतना हसीन करती हैं कि दुनिया दुल्हन को देखती रह जाए। पॉलर के साथ साथ वो रिश्ता भी करवाती हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी और पूरी जान लगा दी इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। रूबी को कहना कि कल आ जाए। इनके अम्मी का स्वयं है ना, मेरे साथ जबान चलाओगी? कहाँ देखो अपनी तुम, देखो अपनी तुम। हाजिर दिमाग होना होता है पार्लर चलाने के लिए, हर किस्म की चीज चल रही होती है पार्लर में। मुझे क्या पता था अलमास की वो मर जाएगी। शादी करवाने तक मेरी जिम्मेदारी थी, आगे इस घर में क्या होता रहा है मुझे कुछ नहीं पता। जब तक पैसा होता ना इंसान के पास ना, तो बाकी दुनिया भी ना झूठ झूठ के सलाम करती है। साथ की चुनरी देख क्या गुनगुनाया जा रहा है और चुप क्यों हो गई? ऐसा कौन सा गीत है जो हमारे सामने नहीं गा सकती? मैं आपका एहतराम करती हूँ ना, इसलिए आपके सामने गुनगुनाती नहीं। अच्छा ये बताओ, शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी के बारे में गुड क्वेश्चन अम्मा, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। शादी के बारे में मेरे बहुत अच्छे ख्याल है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरी शादी की बात कर रही हैं तो शादी बहुत बुरी चीज होती है और शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप वैसे ही कह रही हैं तो शादी जिंदगी में एक बार जरूर करनी चाहिए। वो मेरी दोस्त है ना इंशाल, कल उसकी शादी है। हम सब दोस्तों ने सोचा कि हम मिलके बहुत मजा करने वाले हैं, बहुत हल्ला गुल्ला करने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, इंशाल की शादी हो रही है, तुम कुछ सीखो उससे, तुम्हारे साथ की है। जी अम्मा, सारे सबक सीख लूंगी मैं। अच्छा ये बताओ कब तक आओगी? जाऊंगी तब आऊंगी ना, कल जाना है आज नहीं। और मैंने सोचा है कि मैं भैया से इजाजत ले लूंगी, मुझे इजाजत दे देंगे ना। जानती है वो मेरी दोस्त है ना हाला, मैं उसी के घर पे तैयार होने वाली हूँ और उसी के साथ जाऊंगी। बेटा ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, तुम उसके घर से क्यों तैयार होके जाओगी, अपने घर से तैयार होके जाओ। आप हमेशा हर चीज के लिए मना कर देती है, मैं भैया से ही पूछ लेती हूँ। भैया अरे बात तो भैया मेरी, भैया आप अम्मा को समझाए ना, मुझे मेरी एक दोस्त की शादी में जाना और अम्मा मना कर रही है। क्यों? मुझे क्या पता, आप इन्हीं से पूछे। अम्मा जाने देना प्लीज। अरे भाई मैं मना नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ घर से तैयार होके जाना, दोस्त के घर से जाने की क्या जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मा। क्या ठीक कह रही है अम्मा? भैया मेरी दोस्त है हाला, पहले मैं उसके घर जाऊंगी, उसको तैयार करूंगी, फिर मैं तैयार होंगी। अगर मैं यहाँ घर से ही तैयार होकर चलेगी तो शादी में जाने तक मेरा हुलिया तो खराब हो जाएगा ना। She's got a point, अम्मा। बिल्कुल ठीक तो कह रही है। अच्छा अच्छा भाई ठीक है, दे दे इजाजत, चली जाना। वैसे भी ये कॉलेज का जमाना, ये फ्रेंड्स बहुत याद आते हैं बाद। माँ थैंक यू सो मच, आई लव यू। आप बिल्कुल ठीक करती है, लेकिन ये भैया हमेशा आप हर चीज के लिए मना करते हैं। आप ठीक नहीं, अम्मा बिल्कुल ठीक है। अरे बस बस बहुत मक्खन लगा लिया, जाओ जाओ शबर। ये मेरा बस।
कितनी खूबसूरत लड़की है ये, बिल्कुल मूर्तियों जैसी शक्ल है। कौन है, कहाँ से आई है ये? ये परिजे है। इसकी ना शादी वाले दिन इसकी शादी टूट गई, जिसकी वजह से ये पागल हो गई है। मोहल्ले वालों ने लाके यहाँ जमा करवा दिया और ये गलियों में भटक रही थी। इसके घर वाले भी इसको रखने को तैयार नहीं थे, शायद किसी के पीछे भागी थी। भागी थी किसके पीछे? अरे मुझे क्या पता किसके पीछे, और तू भी ज्यादा ना पूछ। यहाँ तो वो भी नहीं पूछते जिनका पूछना बनता है। देखो बेचारी यहाँ पड़ी हुई है, इलाज विलाज तो चल रहा है, अब देखो ठीक होने के बाद ये कहाँ जाती है। तो पहले तुम्हारे हेयर डाई कर देते हैं या फिर कर्ल्स कर देते हैं? कर्ल्स ना करो यार, तुम कर्ल्स कर लो, मैं स्ट्रेट कर लूँ। अच्छा ठीक है, मैं इतना अच्छा लिपस्टिक शेड लाई हूँ, मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ। दिखाओ। ये किसका सूट है? इतना डल कलर? भाई, ये श्रीकर। ओ, आपका है। By the way, ये कहते हैं डल कलर्स आज का ट्रेंड नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो गुड। देखो अशरक, तुम भाई की बात का बिल्कुल बुरा ना मनाना। मेरे साथ भी ऐसा बहुत दफा होता है, अगर मेरे ड्रेस के बारे में कोई नेगेटिव रिमार्क्स दे दे फिर मेरा भी दिल नहीं जाता वो ड्रेस पहनने को। अशरक एक काम करो, तुम मेरी वार्डरोब से कुछ देख लो अपने लिए। नहीं यार हाला, मैं किसी और के कपड़ों में कंफर्टेबल फील नहीं करती। बशीर भाई, आप मुझे हाला के घर से पिक कर लेंगे? जी, मुझे वापस घर जाना है, कपड़े पिक करने हैं। फौरन आ जाए। ओके, आ रहे हैं। असर, आप अपने ड्राइवर को मना करता, मैं ले चलता हूँ आपको। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सही है। देखो असर, पहले ड्राइवर आएगा, तुम्हें लेके जाएगा, फिर तुम आओगी, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये सही है ना, तुम भाई के साथ चली जाओ और फौरन से होके आ जाओ। थैंक यू भाई, जाओ। मैं गाड़ी निकालता हूँ, बाहर आ जाओ। ओके, जल्दी जाओ। हाँ, ओके, बाय बाय। इतना बुरा भी नहीं है। वैसे कहाँ की तैयारी थी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो हमारी यूनिवर्सिटी फ्रेंड, उसकी शादी आज। इत्तेफाक से आज मुझे भी एक दोस्त की शादी पे जाना है, क्लीग है सम फेस 6 लोकेशन। हमारी दोस्त इंशाल है ना, उसकी शादी भी फेज 6 हुई है। इंशाल और यासिर की शादी की बात कर रही हैं आप? जी। व्हाट अ कोइंसिडेंस, इसका मतलब ये कि हम लोग आज एक ही शादी पे जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम सब लोग एक ही शादी में जा रहे हैं तो क्यों ना हम सब लोग एक साथ चलें? श्योर, जा सकते हैं, लेकिन मुझे किसी भी इवेंट पर लेट पहुंचना पसंद नहीं। अरे डोंट वरी, आई विल बी ऑन टाइम। 9 बजे कार पोर्च में तैयार मिलेगा। डन। बातों में शायद आप मुझे गलत एड्रेस पर ले आए, मैंने आपको एड्रेस बताया था ना, ये यहाँ घर नहीं है मेरा। मुझे पता है आपका घर यहाँ नहीं है, आइए मेरे साथ।
क्यों आए? वेट। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। अपनी किसी लेटेस्ट कलेक्शन में से एक ड्रेस दिखाएं। क्यों के लिए? दी कलेक्शन ये देख सकते हैं आप? साड़ी की बात करो। साड़ी? ये देखिएगा सर, रेड कलर में बहुत ही हसीन साड़ी। This is for you. I don't think I can pull off this sari. आप इसमें और भी खूबसूरत लगेंगी। भरोसा रखिए। इसे पैक करने। Okay, मैं करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड। उधर आ जाए सर, सब वहीं बैठे हैं। नो थैंक्स, मैं फैमिली के साथ हूँ और इन्हीं के साथ बैठूंगा। ऑलराइट। Excuse me.
हमने महसूस किया है कि जमदा आजकल कुछ परेशान रहता है। हम हर वक्त जमदा का साथ रहता है मगर कोई सबूत नहीं मिला। उसको खुला छोड़ो, दूर से उसके ऊपर नजर रखो। जब से सबका नजर है तुम पे कोई हादसा नहीं हुआ है। आपको जो ठीक लगता है बिल्कुल वैसा ही करो। हमारी मोहब्बत को तो आप निशान लगा के छोड़ गए हैं। जो तुम्हारे लिए निशान है ना, हमारे लिए तीर है वो तीर। घर का माहौल बदलने का इससे बेहतर और कोई मौका नहीं हो सकता। अब बरलास और पाना की शादी करते हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हारा कोई चीज गुम हो गया है जो तुमने सबसे छुपा के रखा था? आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? जानते हैं वो कौन है? हमीदा आंटी, अम्मा की बहुत पुरानी दोस्त है। लेकिन हैरत की बात पता है क्या, उन्होंने मुझे इतने टाइम के बाद देखा फिर भी पहचान लिया। ये लड़का और इसकी वालदा तो आपसे ऐसे बेतकल्लुफी से मिल रहे थे जैसे आप दोनों की मुलाकात में कोई वक्फा ही ना। ऐसा भी नहीं है। वैसे भाई ठीक कह रहे हैं आप, दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे। मैंने भी नोट किया है कि मम्मा से ज्यादा लड़का इंटरेस्ट दे रहा है हमारी असरा में। What a cheap joke, Hala. Stop it. जी? क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? Yeah, sure. मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, जिसको मेरे साथ घर चलना है बाहर आ जाओ। भाई इतनी जल्दी क्या? भाई को क्या हुआ है? मैं देखती हूँ। Hey, you. This is for you. आप इसमें और भी खूबसूरत लगेंगी। भरोसा रखिए। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? या श्योर। मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, जिसको मेरे साथ घर चलना है बाहर आ जाओ। उसे इतनी अहमियत क्यों दे रहा हूं? उस पर उठने वाली हर नजर वो मुझे गुस्सा दिला रही है। क्या उसने मुझे अपने शहर में मुब्तला कर लिया? उसने मोहब्बत में सुल्तान को हरा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? रात तुम्हें हमीदा शादी में मिली थी? अरे मैं पूछ रही हूँ, रात शादी पे हमीदा मिली थी? जी जी मिली थी। उनका बेटा भी साथ था? ओफो बंद करो ये, चलो। अम्मा। बेटा भी साथ था? जी था। तो बेवकूफ लड़की, मुझे बताया क्यों नहीं? इसमें बताने का क्या है, कुछ हुआ है क्या?
हमीदा ने अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। है? लेकिन क्यों? क्यों क्या, ऐसे ही होता है भाई। लोग तकरीबात में लड़कियां देखते हैं, उन्हें पसंद आती हैं तो रिश्ता भेज देते हैं। हाँ तो ठीक है, आप उन्हें मना कर दें। अब क्या हुआ? बस पढ़ रही हूँ ना मैं, उनसे कह दे मेरे पास वक्त नहीं है। अरे बेवकूफ लड़की, ये सब सोचना समझना थोड़ी पड़ता है, बस जब होना होता है तो हो जाता है। तो कह रही हूँ, मैं सोच समझ के थोड़ी की, बस हो गया अब तो। क्या क्या आपने आपसे बात किए जा रही हूँ? कुछ नहीं अम्मा, मेरा मतलब है कि आप प्लीज हमीदा आंटी को मना कर दें। भाई मैं तो मना नहीं करूंगी इतनी जल्दी, लड़का अच्छा है और अब तो तुम भी उससे मिल ली हो। उसकी मैं सोच रही हूँ सर्वर से डिस्कस करूँ, उसकी भी तो राय पता चले। भाई मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा, मैं सर्वर से बात। अम्मा सुल्तान साहब, मैं समझता हूँ उनको ऑफर दे देते हैं और अगर वो मान जाते हैं तो हम डील लॉक करते हैं। ओके थैंक्स। तो असरा मुझसे अकेले में मिलना चाहती, इमरजेंसी है। ठीक है मिल लेते हैं और आज इसका इशू भी रिसॉल्व कर। वो सुल्तान ही क्या जो खुद गाड़ी से उतर कर आ जाए। जी हाँ सर, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जो आपने मुझे इस तरह अर्जेंट दिया? वो कल हम जिस शादी में गए थे ना, वहां से मेरे लिए रिश्ता आया। ये रिश्ता कहीं उस लड़के का तो नहीं? इट्स ओके, अक्सर शादियों में ऐसा ही होता है। अगर आपको रिश्ता पसंद नहीं है तो आप इनकार कर। मैं तो इनकार करना चाहती हूँ लेकिन अम्मा मेरी शादी करवाना चाहती है ना। ये तो फिर बड़ी खुशी की खबर है। Congratulations. खुशी की खबर होगी लेकिन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। अच्छा किससे? आपको नहीं पता किससे? नहीं मुझे कैसे पता? सुल्तान मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ।
और आपसे शादी करना चाहती हूँ। Good choice. Good choice. लेकिन आपके लिए ऐसे जज्बात नहीं रखता, ना ही कभी मैंने आपके लिए ऐसा सोचा। मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ। नहीं अस्त्र, मैं आपसे मजाक नहीं कर। इनफैक्ट मेरे लिए तो ये बहुत शॉकिंग सिचुएशन है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी ऐसी बात है, ऐसा क्या रीजन है जो आपको ये महसूस हुआ कि मैं आपसे मोहब्बत करूं? रीजन का तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगा कि जो मैं आपके लिए महसूस करती हूँ भी मेरे लिए वही महसूस करती हूँ। माय गॉड सर, आपको शदीद मिसअंडरस्टैंडिंग। मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है। महसूस नहीं करते, वो मेरी केयर करना, मुझे उन नजरों से देखना, मेरा ख्याल रखना, मेरी हर बात को इतने गौर से सुनना, सब क्या था? वो तो मेरा नेचर है। मैं जिससे भी बात करता हूँ उसकी बात को गौर से सुनता हूँ, तो उसे इंपॉर्टेंस देता हूँ, कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। तेरा यही पॉजिटिव एटीट्यूड की मिसअंडरस्टैंडिंग का रीजन था। आई स्टिल वांट टू नो, आप मुझे बताएं ऐसी कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जब आपको ऐसा लगा मैं भी आपसे मुहब्बत करता हूँ? I'm sorry, मैं बगैर इजाजत के अंदर आ गई। कामयाबी में कशिश ऐसी होती है, अक्सर लोग इन्हें देख के उनकी तरफ बेख्तियार खिंचे चले आते हैं। कभी भी पल के लिए मुझसे मोहब्बत नहीं हुई, कभी आपने कुछ भी महसूस नहीं किया मेरे लिए? नहीं, मुझे कभी भी आपके लिए मोहब्बत फील नहीं। I'm sorry, I know आपको ये बात सुनकर बुरा लगे। देखिए आप खूबसूरत हैं, caring है, intelligent, किसी भी लड़के को आपसे मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मुझे कभी आपके लिए कुछ नहीं। किसी भी लड़के को क्यों, मुझे आपसे मोहब्बत है सुल्तान, तो आपको भी मुझसे मोहब्बत होनी चाहिए थी। देखिए असरा, मैं अब आपकी सारी गलतफहमियां दूर कर चुका हूं। शोर अब हमारे बीच में कोई उलझन नहीं होगी।
अश्रा अब इस मुलाकात के बाद क्या फैसला करेंगे आप? पता नहीं। गलती सही सही, लेकिन अगर आपको मुझसे मोहब्बत हो ही गई है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वैसे आप करें ना इस मोहब्बत को निभाने की कोशिश।